क्या कर रहे हैं जी, असि जी सेवा घरे करते हैं। अच्छा चलो जी तुसी भी, और अपनी गाड़ियां ब्याज पे फंसी हुई हैं। क्या हो गया, इतने सालों से जॉब हो नहीं रही जी, क्या है अभी भी कच्ची है, अभी भी 4,000-5,000 में, वो 3,000 में अभी भी फंसे हैं और कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। मैंने लास्ट संडे भी आपको बताया था, अगर आप जिसके पीछे चलते हो, कहना मानते हो, आप उसी के दास हो, अगर किस व्यक्ति की अपनी खुद की चीजें गिरवी रखी हो इतने सालों से और आप उसके पीछे चल रहे हो कहना मानकर, तो आपकी भी कर्जे में होने वाली है। जैसी संगति करोगे वैसा होगा आपके साथ। खुद की कार, खुद का बाइक, खुद के काम नहीं हो रहे हैं और आप उसी की अधीनता कर रहे हो, तो उसी का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, उसी की स्पिरिट आपसे टच करेगी और वो भी आपके साथ वैसा ही होगा जैसा उसके साथ हुआ है। जो लोग ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हैं, जो प्रार्थना में कर जो मुंह से बोलते हैं कि हाँ असी बड़ी प्रार्थना करते हैं जी, असी तो बड़े, उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कहां गई वो पवित्र आत्मा की शक्ति? पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा उनके लाइफ में? क्यों वो बातें करते हैं इधर उधर? और उनको बल्कि चाहिए कि अपने आप को तैयार करें और उन जगहों पर सुसमाचार सुनाएं जहां पर जरूरत है। ओवर स्पिरिचुअल लोग होती हैं वो, क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर का आत्मा है, कहा नहीं यीशु मसीह ने, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब बंधन टूटेंगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तो बेबी ब्लेसिंग होगी आपको। क्या कर रहे हैं जी, असि जी सेवा घरे करते हैं। अच्छा चलो जी तुसी भी, और अपनी गाड़ियां ब्याज पे फंसी हुई हैं, अपनी कारें, अपनी बाइकें, और क्या हो गया, इतने सालों से जॉब हो नहीं रही जी, क्या है अभी भी कच्ची है, अभी भी 4,000-5,000 में, वो 3,000 में अभी भी फंसे हैं और कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। मैंने लास्ट संडे भी आपको बताया था, अगर आप जिसके पीछे चलते हो, कहना मानते हो, आप उसी के दास हो, अगर किस व्यक्ति की अपनी खुद की चीजें गिरवी रखी हो इतने सालों से और आप उसके पीछे चल रहे हो कहना मानकर, तो आपकी भी कर्जे में होने वाली है। जैसी संगति करोगे वैसा होगा आपके साथ। खुद की कार, खुद का बाइक, खुद के काम नहीं हो रहे हैं और आप उसी की अधीनता कर रहे हो, तो उसी का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, उसी की स्पिरिट आपसे टच करेगी और वो भी आपके साथ वैसा ही होगा जैसा उसके साथ हुआ है। इसीलिए बाइबल कहती आत्मिक लोगों की संगति करो ताकि तुम भी आत्मिक हो जाओ, सामर्थी लोगों की संगति करो तुम भी सामर्थी हो जाओ। यीशु मसीह के चेले आग थे क्योंकि यीशु मसीह खुद आग था। यीशु मसीह खुद मुर्दे जिंदे करते थे, अंधों को आंखें देते थे, हीलिंग करते थे, उसके चेले भी करते थे, क्योंकि गुरु आग है तो चेले भी आग होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुरु 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 अनपढ़ हो और चेला पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान के कारण लोग क्या करते हैं, नाश हो रहे हैं ज्ञान के कारण। वो बंदा आपको बोल रहा है जिसकी खुद अपनी गिरवी रखी हुई है चीजें और बोल रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, ये सेवा नहीं है। बाइबल क्या कहते कि तू बच, क्या बोला बाइबल कहते तू बच, पहले हमें अपनी गवाही बतानी है। जब मैं सेवा में आया, नया नया आया, तो लोग कहते अच्छा जी साडा पास्टर भी इदा ही वचन सुनांदा, साडे पास्टर भी वचन सुनांदे, प्रेयर कर दे। तो मैं इस बात से बड़ा परेशान हो गया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक पास्टर जो है परमेश्वर का बंदा आपके घर में प्रेयर के लिए आया है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उल्टा उसे वचन बता बता के समझा समझा के मैं इस बात से बड़ा दुखी था जिसके लोग कहते खुद सुनाना शुरू कर देते वचन वो खुद। तो मैं इस बात से ना थोड़ा परेशान हो गया, मैं कहा प्रभु अगर इन्हें इतना ही ज्ञान है तो इनको माइक पकड़ के स्टेजे लगाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए, इतना ज्ञान है तो। तो मैंने कहा प्रभु मैं
कई लोगों से उन्होंने यही कहना, हाँ साढ़े भी इदा ही सुनाते हैं, सानू भी पता वा वो बाइबल जो उत्थे लिखा उत्थे। मैं तो इस बात से तंग आ गया, मैंने कहा प्रभु बस तू मुझ पे इतनी सी दया कर, मुझे वो बातें बताना जो बाकी ने बोलते हैं, मुझसे वो वचन बोलना करने के लिए, देने के लिए, बांटने के लिए, ऐसा देना जो कभी किसी ने सुना ना हो, मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करना और लोग देखते रह जाएं और तेरा काम करने के लिए। उसने कहा जो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तो उसने दिया। और संगति पवित्र आत्मा के साथ, ये बात सुन सुन के मैं बोर हो गया था लोगों की, पल्ले कुछ भी नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं, प्रार्थना का रिजल्ट आना चाहिए। दाऊद कहता मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया, और बाकियों की कहां है प्रार्थना? वो लोग, वो बहनें जो खुद पर, देखो बाइबल क्या कहती है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मरना होगा शरीर में। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर नहीं मरता वो बढ़ नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा मरना है। बात यह है कि मैंने सोचता था ये कि प्रभु बपतिस्मे का मतलब क्या है, मन फिराना, अब वो करना जो बाइबल कहती है, अब वो नहीं करना जो दिल कहता है। लोग बपतिस्मा लेके भी वो काम करती हैं जो उनका दिल करता है। इसका मतलब हम अभी तक मरे नहीं। यदि आज हम चुनते हैं अपने पसंद की, वो अपने पसंद के पास्टर कि जो जो प्यार करते हैं, जो कुछ नहीं कहते, बस कहते आई जाओ आई जाओ, डांटने वाला और कड़वा टीचर के बच्चे हमेशा ब्रिलियंट होते हैं। पतरस ने कहा सभी जा रहे, चले गए। पतरस कहता प्रभु वो चले गए लोग, वो कलीसिया के लोग भी जा रहे हैं प्रभु, वॉलंटियर भी जा रहे हैं, टीम के बंदे भी जा रहे हैं, चेले भी जा रहे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। पतरस ने सोचा होगा प्रभु इमोशनल हो जाएगा, हाँ हाँ पतरस तू ना मैंने छट के जाई। यीशु मसीह ने कहा चल भाग जा तू भी यहां से, क्योंकि इमोशनल बंदों की कोई जगह नहीं है, स्पिरिचुअल बंदों की जगह है यीशु मसीह की गोद में, उसके सीने पे, उसके हाथों पे, उसके स्वर्ग में, विश्वासियों की, इमोशनल बंदों की नहीं, रोने वालों के बंदों की उनके लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए रोने वाले आज भी रो रहे हैं, रो रो के दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इतने सालों से तो आज तक सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि वो रोने वाले, रोने वालों का परमेश्वर नहीं है। जे रब रो के सुनता तो सारी दुनिया रोंदी है रात में। करोड़पति, अरबपति, अच्छी फैमिलियां, बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो हमारे सामने, जो आपके आसपास जो पड़ोसी हैं, ये भी देखने में सही हैं और बाद में प्रार्थना में रोते हैं प्रभु जी तक इदा कर दे, प्रभु हालेलुया इदा कर दे, ऐसा कभी नहीं। इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल है वो। इसलिए उसने इमोशनल नहीं दिया, हमें अपना आत्मा दिया, हमें अपनी स्पिरिट दी, पवित्र आत्मा दिया हमें रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसे बात करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, और कैसे जीना है, कैसे चलना है, वो सब करने के लिए उसने पवित्र आत्मा हमें दी। इसलिए उसने कहा मुझसे अलग हो के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग पवित्र आत्मा पाके, और मगर यीशु मसीह ने कहा टच भी रहना है, जो डाली जुड़ी रहती है उसी वही सप्लाई दे, उसी को फल लगता है। और आप अंगूर की दाख की बारी के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ के, क्या आप सूखे हुए तो नहीं?